हेलो जय श्री कृष्णा, हाउ आर यू? जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। माई सेल्फ डॉक्टर यदुवीर सिंह, यू आर वॉचिंग मी ऑन यदुवीर एजुकेशनल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी गेट का एग्ज़ाम हुआ था, कि गेट के एग्ज़ाम में 2021 में क्या ऐसा नया हुआ है, वो मैं एक एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अभी 6-7 को गेट केमिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ, बाकी के भी एग्ज़ाम हुए, लेकिन हम तो केवल और केवल किसकी बात करेंगे, ओनली केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में नया क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे और एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, इस तरीके से हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं, एक पूरा की पूरा रिव्यू ले लेते हैं इसके बारे में कि क्या कुछ बच्चों ने तो अपना बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने नहीं किया वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या ऐसा प्रिपरेशन करें ताकि कुछ नया कर लें, और जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में यानी कि या तो एमएससी में हैं या फिर वो बीटेक फाइनल ईयर दे रहे हैं, ताकि उनको एक अच्छा रिव्यू मिल जाए, इसके पर्पज से 10 मिनट डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से माई सेल्फ डॉक्टर यदुवीर सिंह। चलिए देखिए, देखते हैं इसमें कि इस बार जब गेट का एग्ज़ाम हुआ था 2020 और 2021 का, तो इसमें बात कर रहे हैं हम लोग ओनली केमिस्ट्री की, केमिकल साइंस की। तो देखिए, पहले एग्ज़ाम के पैटर्न से थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हुआ है। डिफरेंस इसमें ये था कि एक NAT क्वेश्चंस इसमें थे, यानी कि अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो MCQ, MSQ एंड NAT। इसका मतलब क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे इसमें, MSQ थे, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे, और NAT यानी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें थे इस बार। तो पहले एग्ज़ाम में क्या होता था, मान लीजिए अगर 1 to 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो कंपलसरी नहीं होते थे। मान लीजिए किसी का केमिस्ट्री का ही बहुत अच्छा है तो वो केमिस्ट्री का कर रहा है, और ज़रूरी नहीं कि एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस करना ज़रूरी है, लेकिन इस बार क्वेश्चंस कंपलसरी थे। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो 1 to 10 क्वेश्चंस जो थे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, जिनमें से 1 to 5 क्वेश्चंस थे ओनली 1 मार्क्स के थे, एंड 6 to 10 क्वेश्चंस का जो मार्क्स था वो 2 मार्क्स के थे, यानी कि अगर हम टोटल मिलाएं तो 15 मार्क्स का हमारा जनरल एप्टीट्यूड आता है गेट में। तो अब एक आध बच्चा सोच रहा होगा कि किस तरीके से, हालांकि वो लोग भी पेपर डाल देंगे, लेकिन फिर भी जैसा कि मेरे स्टूडेंट से ही मुझे खुद मालूम पड़ा कि किस तरीके का कुछ क्वेश्चंस पैटर्न आया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए जनरल एप्टीट्यूड में गेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से थे, इस तरीके से आएंगे, एक रिव्यू टाइप का बताता हूँ आपको, कि 40% पर्सन जो हैं वो टी पीते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, 40% उसमें से पर्सन टी पीते हैं, 35% कॉफ़ी पीते हैं, 10% दोनों पीते हैं, टी एंड कॉफ़ी। तो बताइए नंबर ऑफ पर्सन कितने ओनली कॉफ़ी पियेंगे या कितने टी पियेंगे, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट था ट्रांसफ़र का, अगर हम लोग मिरर इमेज बनाएं तो किस तरीके से बनेगी, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। फिर कुछ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कोई हमारे पास 4 हैं PSQR, इनको किस तरीके से अरेंज करें, है ना, तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल एप्टीट्यूड में आते हैं, जो आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस नाउअडेज कंपलसरी हो गए हैं, सबके लिए मस्ट हो गए हैं, आपके अगर ये क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो बाकी के क्वेश्चन में भी देखना पड़ेगा। सेकंड बात कर लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट की, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो गेट 2021 में आए थे वो थे ओनली 65 क्वेश्चन आउट ऑफ, जिनके मार्क्स टोटल थे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, यानी कि आपको कह सकते हैं कि 1 to 10 जनरल एप्टीट्यूड हो गए। अब मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 55 टोटल मिलाकर के क्वेश्चन 65 थे, जिसमें से 55। अब यहाँ थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब एक नया बच्चा आता है तो वो या तो पहले के बच्चों से सीनियर से सजेशन लेता है, या आजकल यूट्यूब सहारा है, तो एक पूरा रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चा अभी नया तैयारी कर रहा है उसके लिए मेरा काम है गाइडेंस देना, मैं ज़रूर दूंगा। तो इसमें सबसे पहले आप जिस बच्चे ने भी पहली बार एग्ज़ाम दिया उसको लगा होगा कि हाँ
कुछ इस तरीके से आता नहीं। गेट का अपना एक लेवल है, गेट वाला अपना लेवल को मेंटेन हमेशा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बीएससी एमएससी से मतलब आता ही है, वो आप लोग जानते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चंस में जाएं कि किस तरीके के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में पूछे गए थे या किस तरीके से आते हैं या आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कशन करना चाहूँगा। अगर आप लोग गेट 2022 के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो पहले कम्प्लीटली अपने आप को एनालिसिस करिए कि कहाँ पे ऐसी कमी रह गई है आपके अंदर जो आप करना चाहते हो, या गेट के एग्ज़ाम पैटर्न को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग गेट नॉट ओनली क्लियर करना है, आपको एक अच्छी रैंक चाहिए, अच्छी रैंक के लिए कई सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम के पैटर्न को बिना समझे आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो वो सक्सेस रेट नहीं मिलेगी जिस सक्सेस रेट की आपको ज़रूरत होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई स्टूडेंट को क्या लगता है कि चलो मतलब वेटेज जो होगा वो एक का ज़्यादा होता होगा, किसी का फिजिकल का ज़्यादा होगा या फिजिकल ऑर्गेनिक का ज़्यादा रहता होगा, ऐसा नहीं है। तीनों केमिस्ट्री को मिला करके इसका वेटेज बनता है। हाँ, फोर्थ वाली में से वन या टू क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। मान लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो जनरली 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे ओवरऑल 55 क्वेश्चन में से। जबकि अगर यहाँ पे तीनों की बात करें लाइक एज द इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री की, तो तीनों का वेटेज नियरली सेम होता है, ठीक है। और आप लोग अपना गेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन तीनों को एक अच्छे वेटेज के साथ आपको तैयारी करनी है। अगर रही बात स्पेक्ट्रोस्कोपी की, अगर आपको लगता है कि कुछ NMR वगैरह आप लोग पढ़ सकते हो तो उसके साथ भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें जिससे एक अच्छा हो। अब जैसे मैं आपसे बता रहा था कि किस तरीके के क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2-3 क्वेश्चन का ले लेते हैं एक ट्रायल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चन गेट एग्जाम गेट 2021 में लाइक एज द केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस थे। जैसे अब मैं इनऑर्गेनिक में जाऊं तो इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। तो एक ये किस तरीके का क्वेश्चन बन गया, NAT यानी कि न्यूमेरिकल असेसमेंट टेस्ट टाइप का बन गया। तो इसमें आपको क्या एक डिजिट लिखनी है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है। अब कोबाल्ट की बात करेंगे तो सारे बच्चे जानते हैं कितना होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, 3d7 एंड 4s2। 3d7 एंड 4s2 मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितने बने, 3। तो 3 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आपको 2 डिजिट में लिखनी है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है। लाइक एज द एक आधा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल था कि कोई हेक्साइन है, हेक्साइन में हम लोग क्या ऐसा कौन सा रिएजेंट डालें ताकि वो ट्रांस हेक्सीन में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें लिंडलार कैटलिस्ट BSO4 PD PDBSO4 है ना, और लिक्विड अमोनिया सोडियम मेटल के साथ। तो इसको वर्च रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन थे। अब और एग्जांपल बताऊं, बताने को तो मैं आपको बता ही सकता हूं लेकिन आपको एक एग्जाम पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप एक सिस्टमेटिकली तैयारी करते हो तो डेफिनेटली अपने गेट के स्कोर, नॉट ओनली स्कोर, यहां पे रैंक वाली बात चल रही है कि रैंक आप अच्छी कैसे लाएं, अंडर 100 में कैसे अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस करें, ठीक है, यहां पे वो बात चल रही है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगला क्वेश्चन था कि क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाहेड्रल वैल्यू, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वैल्यू किसकी होगी ज्यादा, इस तरीके के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड मतलब CFSE वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, तो ये फैक्टर अफेक्टिंग में से आ गया। ओवरऑल बात कर रहे हैं गेट की एग्जाम की, तो गेट का एग्जाम आपसे रियली मेहनत मांगता है, और कोई भी एग्जाम सही एग्जाम तो मेहनत ही मांगते हैं। तो मेरा आप लोगों से कहने का तरीका ये था कि जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम दें, व्हाटएवर, चाहे गेट का है चाहे नेट का है, आप अपनी तैयारी के साथ जाइए।
बिना प्रिपरेशन के अगर आप जाओगे तो थोड़ा बहुत आप सोचो कि लक, तो लक बाई चांस रेयर केस में ही ऐसा होता है कि आपका लक बहुत अच्छा काम कर रहा है उस दिन और आपका अच्छा हो गया। ज़्यादातर केसेस में मोस्टली मतलब ऐसे ही समझिए, बिना मेहनत के गेट की उम्मीद करना बेकार है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम लोग एनालिसिस में जाएं तो गेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन अगर आप लोग पढ़ करके, जो भी स्टूडेंट पढ़ करके नहीं गया होगा उसके लिए उसको टफ लगा होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब यही है कि तीनों का आपको वेटेज उठाना है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, उसका जितना सिलेबस है उसके सिलेबस को करते समय आपको गेट के नियरली 20 ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्योंकि अब गेट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। NAT क्वेश्चन आ गया है, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया जो पहले नहीं आते थे। MSQ क्वेश्चंस आ गए हैं जो पहले नहीं आते थे, मतलब मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन का एक ऑप्शन लेता हूं, मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर ये मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है, कैसे आएंगे? जैसे फर्स्ट ऑप्शन उसने डाल दिया इन दी एक्टेनॉइड्स, इन दी एक्टेनॉइड्स 4F ऑर्बिटल्स आर मोर टाइटली देन 5F। ठीक है, दूसरा उसने डाल दिया ऑल दी एक्टेनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। थर्ड वाला उसने ऑप्शन डाल दिया कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व, कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन एक्टिनॉइड्स। ठीक है, जैसे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसे ही। फोर्थ वाला उसने डाल दिया ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम आर रेडियो एक्टिव या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, आर्टिफिशियल क्या एक्टिनॉइड, सॉरी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको मल्टीपल सेलेक्टिव चॉइस आती हैं, तो इसमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई क्वेश्चन अगर आपका सही है तो सही के नंबर मिलते हैं, अगर आपका गलत है तो सारा के नंबर चला ही जाता है। ओवरऑल कहने का मतलब यही चीज़ है इस बार जो चेंज हुआ है, MSQ क्वेश्चंस आ गए, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस आ गए, NAT क्वेश्चंस आ गए और MCQ तो पहले चलते थे और जनरल एप्टीट्यूड के भी पहले चलते थे, कुछ नया नहीं है। बस आपको पैटर्न बताने का थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल 65 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके जो सब्जेक्ट के होंगे वो 55 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। तो जब भी आप तैयारी कर रहे हो अपनी, पूरी लगन से डेडिकेशन से करिए और एटलीस्ट 10 ईयर नहीं तो 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करके जाएं, जिससे कि आपका टाइमली वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस हो पाए। ठीक है, और जब आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल का, तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी देख करके जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे आती रहेगी नेक्स्ट में आपसे मिलते रहेंगे। अभी KVS के फॉर्म आने वाले हैं, UPPGT के आने वाले हैं, दोबारा से रीओपनिंग होने वाली है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी अपडेशन के लिए जुड़े रहें यदवीर एजुकेशनल सर्विसेज पे। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।